हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 17 बाज और सांप समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। इस कहानी में दो जीवों बाज एवं सांप के बारे में बताया गया है जो अपने अपने जीवन से संतुष्ट है। बाज जहां साहस का प्रतीक है, वहीं सांप कायरता का। बाज को अपनी स्वतंत्रता अपनी जान से भी अधिक प्रिय है, जबकि सांप अपनी नम व अंधेरी खोखल तक ही स्वयं को सीमित रखता है। सांप अपनी जान बचाए रखना ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। बाज ने आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया। बाज की जिंदा दिली सांप को मूर्खतापूर्ण लगती है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाज को ऊंचाई का प्रतीक बताया गया है। अर्थात जिस तरह से जब हम काफ़ी हाइट पे होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो हमें बहुत सारा क्षेत्र दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपनी सोच को ऊंचा नहीं रखेंगे, तब तक हम जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते, ऊंचा नहीं उठ सकते हैं। और जब तक हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे कि लोग हमें याद करें या हमारी एक खुद की पहचान हो, तब तक हमारा जीवन बेकार है। सांप कुछ इसी प्रकार का प्राणी है, जिसे अपने तक ही सीमित रहना बहुत अच्छा लगता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उसके मन में अभी भी उड़ने की इच्छा है। वह घायल है, परंतु दिल में अभी भी आसमान में उड़ने की, उसकी ऊंचाइयों को छूने की इच्छा है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? यहां पर हमें सांप के चरित्र का एक अलग पहलू दिखाई दे रहा है कि वह दूसरे को प्रेरणा दे रहा है। भले ही उसने जीवन में कुछ नहीं किया है, परंतु वह बाज को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें भी दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए, साथ ही खुद भी वह कार्य करना चाहिए। बाज में एक नई आशा जग उठी।
वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। अंतिम बार उड़ने के प्रयास में बाज अपनी जान गवा बैठता है, इससे सांप भी प्रभावित हो जाता है। समुद्र का पानी, समुद्र की लहरें बाज को श्रद्धांजलि देती है और ऐसा लगता है मानो वे बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप भी प्रभावित होकर आकाश छूने की कोशिश करता है। उसके मन में भी यह ख्याल आता है कि आखिर उस आसमान में, उस आकाश में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह यह ठान लेता है कि वह भी आकाश में उड़ेगा, भले ही एक बार के लिए। हमारे पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या तृतीय खंड में की जाएगी। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।